हाई फ्रेंड्स आई तेजस गांधी फ्रॉम सनमार्स एजुकेशंस आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर यूट्यूब चैनल टूडे वी लर्न द रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशेंट पार्ट वन इन दिस सेसन वी विल डिस्कस द टॉपिक लाइक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस जैसे हमने बात किया था कि कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस एक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है जो है वो टेम्परेचर ऑफ मटीरियल तो कोई भी आप मेटल इंसुलेटिंग या सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ करते हो तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशंस क्या है और टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होती है ये हम आज के सेशन में आर पार्ट वन में देखेंगे सो लेट स्टार्ट दी अवर सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंजिस विद दी चेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल विच आर लिस्टेड बिलो जैसे मैंने बताया था कि आपके पास कोई भी मटीरियल है तो किसी भी मटीरियल के अंदर रेजिस्टेंस होते हैं तो वो रेजिस्टेंस किस वजह से होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो एक एंड से दूसरे एंड मूव होता है उस इलेक्ट्रॉन को कौन अपोज करता है पॉजिटिव आंस मतलब कि प्रोटोन्स सो so, ये अपोजिशंस की वजह से उस मटीरियल के अंदर क्या क्रिएट होता है रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस जो नॉर्मली हमने ओम स्लो में पढ़ा था कि वो आर इक्वल टू वी बाई आई होता है और जो भी आपका रेजिस्टेंस है किसी भी मटेरियल का वो कांस्टेंट तभी रहता है जब उसकी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हो पर जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उस वजह से उस मटेरियल का रेजिस्टेंस भी चेंज होता है तो ये जो आर और टी रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का जो रिलेशंस है वो हर मटेरियल के अंदर अलग अलग होता है जैसे मेटल्स है एलोइस है सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रोलाइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मेटल्स जैसे यहाँ पे हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है यहाँ पर हमने प्लॉट किया है कैरेक्टरिस्टिक्स और ग्राफ रिलेशंस मतलब कि रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर है आर ज़ीरो जो है आर जीरो जो है वो रेजिस्टेंस एट ज़ीरो डिग्री है फिर मेटल्स जो है मेटल्स जैसे आपके मेटल्स कौन कौन से होते हैं जैसे कॉपर होता है एल्यूमिनियम होता, होता है जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल मेटल्स एज सचैसे टंगस्टन कॉपर एल्यूमिनियम ये हमारे मेटल्स होते हैं तो मेटल्स ज़्यादातर इंडस्ट्रियल वायरिंग हाउस वायरिंग या कॉमर्शल वायरिंग में जहाँ पे मेजोरिटी हम कॉपर मटेरियल ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्यों क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी कंपेयर टू एल्यूमिनियम या तो फिर अदर मटीरियल से ज़्यादातर होता है पर इसका एक लिमिटेशन है कि वो ईजिली अवेलेबल है नहीं है एंड कॉस्ट उसकी ज़्यादा होती है तो किसी भी मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं इस वजह से हम किसी भी वायरिंग के अंदर पहले कॉपर मटेरियल यूज़ करते हैं और उसके ऊपर हम लेयर जो करते हैं वो इंसुलेटिंग मटेरियल कर तो यहाँ पे जो होता है इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर मूव होने की वजह से जब आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो उस मेटल के अंदर करंट फ्लो होता है करंट की वजह से उसके अंदर हीट जनरेट होगा हीट जनरेशन की वजह से उसके अंदर टेम्परेचर राइज़ होगा पर ये टेम्परेचर राइज तभी होगा जब आप उसको ज़्यादातर मतलब वोल्टेज अप्लाई करोगे जब वोल्टेज आप इंक्रीज़ करते जाओगे करंट इंक्रीज़ होता जाएगा और टेम्परेचर राइज़ होता जाएगा और टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज़ होगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो आपने हंड्रेड वोल्ट दिया पहले और उस हिसाब से अगर फाइव एम करंट फ्लो रहा है तो अगर टेम्परेचर उस टाइम पर आपका मान लो कि थर्टी डिग्री है अगर आपने वोल्टेज राइज़ करके 100 से 200 हंड्रेड वोल्ट कर दिया करंट आपका 10 एम्पियर होगा तो उस हिसाब से आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो होगा तो उस टाइम पे आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा 30 से ज़्यादा हो जाएगा मतलब मान लो कि 60 डिग्री है तो फर्स्ट केस में जब आपने 100 वोल्ट अप्लाई किया और फाइव एम्पियर है तो इलेक्ट्रॉन और करंट जो है वो फाइव एमपियर था तो उस टाइम पर आपके पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन को कम को कर रहे थे पर जब आपने वोल्टेज बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो रहे मतलब कि पॉजिटिव आयंस जो प्रोटॉन्स है वो ज़्यादा कोलाइड हो रहा है मतलब उस हिसाब से आपका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा ओपोजिशंस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ओपोजिशंस कौन कर रहा है पॉजिटिव आयंस सो यहाँ पर जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है करंट के साथ और ज़्यादा कोलिजन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन की कोलिजन्स की वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है तो मेटल्स के अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि रेजिस्टेंस के साथ टेम्परेचर भी आपका राइज होता है जैसे आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में देख सकते हो आर जीरो जो है रेजिस्टेंस एट जीरो डिग्री है मान लो कोई टी डिग्री सेंटीग्रेड है या तो हंड्रेड डिग्री या तो टू हंड्रेड या फाइव हंड्रेड कोई भी टेम्परेचर पे ले लो आपका रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर क्या होगा लीनियरली इंक्रीज होगा फिर हम बात करते हैं कोई एलोइस एलोइ जैसे मैगेिन यूरेका कॉन्स्ट ये सब एलोइज़ हैं ये भी कुछ मेटल की तरह ही काम करता है पर जैसे मेटल में हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस के साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है पर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आपके एलोय मटेरियल्स के अंदर पास होते हैं इलेक्ट्रॉन की लेवल जब बढ़ता है तब टेम्परेचर तो राइज़ होता है मतलब करंट जब लेवल करंट का लेवल जब बढ़ता है तो टेम्परेचर तो राइज़ होता है पर रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस किसी भी एलोय या यूरेका या मैगेन कोई भी वायर ले लो उसके अंदर निगलेजिबल इंक्रीज़ होता है जैसे मान लो कि आपका टेम्परेचर थर्टी डिग्री पे रेजिस्टेंस आर ज़ीरो वन ओम है जब आपका टेम्परेचर थर्टी से सिक्सटी डिग्री हो गया तो ये रेजिस्टेंस वन पॉइंट ज़ीरो जीरो वन या तो वन पॉइंट जीरो ज़ीरो टू यानी निगलेजिबल इंक्रीज़ होगा जबकि मेटल में क्या होता है थर्टी डिग्री पे अगर मान लो वन ओम है तो सिक्सटी डिग्री पे आपको वन पॉइंट फोर वन पॉइंट फाइव तो इतना इंक्रीज़ होता है जबकि एलोए में इसका जो रेशियो है इंक्रीज होने का रेशियो जो है वो कम है मेटल आप देख सकते हो तो एलोय में रेजिस्टेंस कैसा होता है निग्लेजिबल इंक्रीज होता है और जो उसका रेट है चेंज ऑफ रेजिस्टेंस इज लेस देन डेट ऑफ मेटल्स लास्ट वन जो है द रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर मटीरियल जैसे आपके पास सिलिकॉन जर्मेनियम ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में जब इसके अंदर ट्रांजिस्टर डायोड क्या होता है ये सब सेमीकंडक्टर मटेरियल जनरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होते हैं और ज़्यादातर सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज़ होते हैं और ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो जैसे मान लो एक एग्जांपल फॉर डायोड है तो डायोड का खुद का इंटरनल वोल्टेज होता है जैसे सिलिकॉन डायोड सिलिकॉन मटीरियल से बना है तो वो डायोड जो सिलीकॉन मटीरियल से बना है उसका खुद का इंटरनल वोल्टेज होता है पॉइंट वोल्ट जब आप उसको पॉइंट से कम या तो पॉइंट वोल्ट दे रहे हो तो वो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा मतलब कि वो इंसुलेटिंग की तरह काम करेगा जब आप पॉइंट सेवन से ज़्यादा दे रहे हो तब उसके अंदर करंट इजीली फ्लो होगा मतलब कि वो कंडक्ट करेगा वैसा ही जर्मेनियम के अंदर है जबकि इंसुलेटर क्या होता है इंसुलेटर जैसे कि आप पेपर प्लास्टिक रबर जो जनरली हम किसी भी मेटल वायर के ऊपर कवरिंग जो ये प्लास्टिक या रबर की कवरिंग करते हैं क्यों फॉर प्रोटेक्शन पर्पज़ क्योंकि इंसुलेटर में क्या होता है कि ज़्यादातर पॉजिटिव आयंस होते हैं कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स ही मतलब कि मेजोरिटी चार्ज कौन सा होता है प्रोटॉन्स और माइनॉरिटी चार्ज कौन सा होता है इलेक्ट्रॉन्स सो so, उस वजह से इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड इजीली मूव नहीं कर पाते क्योंकि 5 टू 10 परसेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मतलब कि इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो होता है मिली मतलब कि 10 डेज टू माइनस थ्री एंड माइक्रो मतलब टेन डेज टू माइनस सिक्स एमपियर तो ये निग्लेजिबल करंट है तो उस वजह से इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर करंट इजीली फ्लो नहीं हो पाता आप उसको आप उसको कितना भी करंट अप्लाई करो चाहे कितनी भी हीट राइज़ हो टेम्परेचर राइज हो पर उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हो जाएगा कम हो जाएगा तो उसके अंदर जब आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है या टेम्परेचर तो बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है डिक्रीज होता है वैसा ही उसके जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट भी कुछ इस तरह से ही काम करता है जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थियरी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब दी चैनल नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस दी आरटीसी पार्ट टू रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशेंट पार्ट टू थैंक यू